और गाइस मैं हमेशा सोचती हूँ क्या जिस दिन हमारा शूट नहीं होता मैं फ्लाइट पे नहीं जाती, उस दिन मैं क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा, किस किस से मिलता होगा। तो आज यही जानने के लिए आज 24 घंटे के लिए मैं मयंक की गाड़ी की डिग्गी में छुपने वाली हूँ और उस पे स्पाई करने वाली हूँ और उसके सारे कांड जानने वाली हूँ। और आयुष मेरे साथ है मेरा फुल सपोर्ट करने के लिए, तो अभी चलते हैं। तो गाइज अभी हम फ्लैट पे आ गए हैं और गाड़ी जो है वो पार्किंग में खड़ी है और गाड़ी की एक चाबी मेरे पास है और एक कौशिक के पास है और कौशिक अभी है ऊपर, उसको कुछ अंदाजा नहीं है। तो पहले चलते हैं, पकड़िए। थैंक गॉड गेट खुला हुआ है क्योंकि हमारे पास गेट की चाबी नहीं थी। अभी मैं ये गाड़ी ओपन करने वाली हूँ, मतलब अनलॉक करने वाली हूँ, बट यार मैं अनलॉक करूँगी तो सेकंड फ्लोर तक बस आवाज़ ना जाए। आयुष जाएगी? पता नहीं, पर एक बार देख लो करके। भगवान प्लीज आवाज़ ना जाए। ये फंस गया। तो पहले अपनी डिग्गी में घुसते हैं। तो गाइस डिग्गी जो है वो काफ़ी बड़ी है और ओ भाई साहब यार आई डोंट नो यार इस गर्मी में मैं इसमें सांस कैसे लूँगी भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने वाला है अपना। आयुष ये डिग्गी तू बंद कर और तू ऊपर निकल पहले, ठीक है? नाइस गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे और भाई जब डिग्गी खोली थी तब तो बड़ी लग रही थी, अब जब पैर पसार रहे थे ये बहुत छोटी लग रही है। एंड अभी सुबह के कुछ 11 बज रहे हैं और ट्रस्ट में आई डोंट नो कि मयंक कितनी देर में नीचे आने वाला है, एक घंटे में, दो घंटे में, ढाई घंटे में, मुझे कुछ भी पता नहीं है। बट आयुष ऊपर गया है, वो मुझे टेक्स्ट करके इन्फॉर्म करता रहेगा मुझे सारी खबरें देता रहेगा। बट तब तक मुझे यही रहना, मेरा चैलेंज ही यही है कि मुझे 24 घंटे इस डिग्गी में ही मरना है। मुझे यहाँ लेटे लेटे ऑलमोस्ट एक घंटा हो चुका है, ठीक है? और अभी मैसेज आया आयुष का कि मयंक भैया अभी नहाने गए हैं, यानी कि उसको अभी भी मयंक को कम से कम आधा घंटा तो लगने वाला है नीचे आने में। भाई मेरी बैंड बज रही है और यहाँ उस बंदे को नीचे आने में इतना टाइम लग रहा है। गाइस मयंक आ गया, मयंक आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। वो तो स्टार खड़ी थी, मार पड़ी थी। बाहर आ गया है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो, पर कहीं जा रहा है, देखते हैं कहाँ जाएगा। अभी इस वाले मॉल में नया वेस्ट साइड खुल गया, किसके मॉल कह रहा, होटल के, वो ना रेडिसन, रेडिसन निशु ने क्या बोला दोस्त आ जाने के लिए, पता नहीं कहीं गई, जमीन मिली घर पे, आना होता तो आ जाती, अब तक मेरे साथ ही, मुझे तो फ़ोन करके बोल रही कि आ जाऊँगा, कोई बताया नहीं, कहीं पे गई हुई, फ़ोन भी नहीं उठाया मेरे को, मेरा फ़ोन आया था कि मैं आज नहीं आऊँगी, मैंने उसको बोला था भाई अपनी वीडियो शूट कब करेगी, वो कह रही है मैं कर लूँगी पर आज नहीं आ रही, आज नहीं आ रही। गाना क्यों बजा रहा है यार, ये पूरा कॉपीराइट आ जाएगा। ये चेक कर रहा था कुछ, इसे डाउट तो नहीं हो गया ना, शिट यार कहाँ गया यार ये ना पता नहीं क्यों कुछ चेक कर रहा था, मुझे डर लगा कहीं से कुछ डाउट वाउट तो नहीं हो गया, मैं डर गई थी, बट ये अभी गया है वेस्ट साइड अंदर, पता नहीं क्या खरीदने गया, इसे बिना मतलब के पैसे उड़ाने में बहुत मजा आता है, इसके पास बहुत पैसा है। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में गुस्सा आ रहा है बहुत तेज। फोटो खींचना मेरी, भाई धूप में तो अच्छी फोटो आती है। यार ये बंदा पागल है क्या, ये बंदा दोबारा गाड़ी बंद करके फोटो खिंचवाने गया है, सीरियसली यार मैं मर रही हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, फोटो खिंचवानी है, खड़ी भी नहीं हो सकती एकदम से, रुको एक मिनट देखती हूँ किस साइड खड़ा है। गाइज ये देखो कोई कितना बचपना कर सकता है, इस बंदे को आप देख लो, भरी दोपहरी में इस बंदे को फोटो खिंचवानी है, ऐसा लग रहा है यही है शाहरुख खान की औलाद।
इतनी गर्मी में कोई अगर गाड़ी में रह जाए तो मर जाए भाई। इतनी भाई मैंने देखा है एक लड़का है वो गाड़ी में रह जाता है इतनी गर्मी में। कौन है? एक लड़का। चैलेंज की बात कर रहे हो? हाँ चैलेंज में देखा था भाई, एक लड़का गाड़ी की डिक्की में घुस जाते हैं तो गाड़ी में रहते हैं ऐसी गर्मी में भाई, बड़ा मुश्किल है। सोच गाड़ी में अगर बैल ना हो और ड्राइवर पागल हो जाए तेज चलाए तो क्या होगा? कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं भाई? क्या कर रहे हैं? गाड़ी उड़ के जाऊंगा और तुझे नागिन की तरह लहरा के दिखाऊंगा। नया ड्राइवर हो गया। अरे यार पता नहीं इसके क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा है? जान से मारना चाहता है क्या मेरे को? प्यास लग रही है बहुत तेज। जो लग रही है और इतनी ऐसी गर्मी में सोच अगर किसी को प्यास लगे और पानी ना मिले तो क्या होगा? इसमें भी मौत है। इसमें भी मौत है। प्यार तो तुम बहुत लोग से करते हो। मैं इसे गाड़ी से नहीं देखा। मैंने कैसा बेवकूफ बनाया उसको। 6 महीने बोला था मैंने कि 6 महीने बाद गाड़ी दे दूंगा, दी मैंने उसको। नहीं दी ना। नहीं मैं तो बस उसके साथ इसलिए रह रहा हूँ कि भाई मेरा चैनल बन जाए और मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हो जाए। मेरे दोस्त एक्टर तो बहुत तेज है। मेरी रियल बंदी देखी पागल हो जाएगा भाई। तुझे चलो निशु कुमार बताइए देख लियो। मैं कैसे बताऊंगा, तो आज तक आई नहीं रही। उस बंदी को पता है कि मैं निशु को बेवकूफ बना रहा हूँ। मिली भगत है चला तुझे मिलवा ही देता। तू बता ही मत पर उसको ना। इतनी बात नहीं बताई उसको। बंद कर पानी मेरे मुंह पे फेंका है। चलो इसी बहाने पानी तो मिला पीने के लिए। बहुत प्यास लगी थी मेरे को। चुप बैठ यहां मैं आता हूं। ओए गया गया रुक जा रुक जा भाई। यार ये बंदा क्या बात कर रहा था भाई? बहुत कुछ बोल गया तुम्हारे बारे में भाई। ये मेरे बारे में इतना घटिया सोचता है यार। भाई मैंने भी नहीं सोचा था इतना बुरा बुरा बोल देंगे। बहुत बुरा बोला भाई। इसे कोई डाउट वाउट तो नहीं हो गया भाई? मेरे को भी लग रहा है इतनी हरकतें कर रहे हैं। नहीं यार डाउट होता ना तो अब तक तो गाड़ी से उतार के मैं मारता। बट पता है आज भाई मुझे नहीं बताया इसने कि इसकी बंदी है ये वो। पर इतना गंदा कोई मेरे बारे में घटिया कैसे सोच सकता है? ठीक है आज मुझे बहुत हट हुआ यार। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। बट आयुष अगर इसकी ये तेरे को कह रहा था ना अपनी बंदी से मिलवाने के लिए, अगर अपनी बंदी से मिलवाएगा, अगर बंदी आती है इसकी तो, और ये बात सच है कि इसकी बंदी है तो फिर तो भाई वो बात भाई सारी बातें सच होंगी। सुन जैसे आएगा ना पूछो नाम पूछो ठीक है। नाम वाम पूछो बोलियो भैया कितनी देर में आ रही है ठीक है। आ रहा है क्या? आ रहा है। थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए, गाड़ी में मच्छर बहुत हो गए। मच्छर मार रहे हैं। मच्छर काट रहे हैं पता नहीं कहाँ से घुस रहे हैं रात। चलो कर दो क्या देखते। Meet Ayush. Hi Ayush. Hi. How
इसको बताया श्रेया को निशु के बारे में कि निशु कितनी हराम है। अरे यार क्या बताओ उस लड़की का कैसी सी है। क्या बात बोल रही है, मेरे को जानती भी नहीं है ये। तू बताओ कहाँ चले, क्या खाओगे? कुछ भी खिला दो। कॉफी? हाँ चलो कॉफी पीते आज। आयुष हाँ कॉफी सही रहेगी। निशु के साथ रहता है, निशु उसको चाय पिलाती है बेचारे को। चलो आज हमारे साथ कॉफी। कितना गंदा है यार, मेरे बारे में कितना गंदा गंदा बोल रहा है यार। और तुझे पता है आयुष, हाँ मैं उसी दिन मिलता हूँ श्रेया से जिस दिन क्या कहते हैं निशु नहीं या तुम नहीं आते, क्योंकि अभी मैं निशु को पता नहीं लगना देना चाहता इसके बारे में, श्रेया के बारे में। तेज हो तुम। तेज क्या भाई, ऑनेस्ट है वो भाई, इतनी तेज है वो मुझे भाई। मैं उसने मेरे से अपना काम निकाल लिया, मैं अपना काम ना निकालूं क्या, समझ रही है? हाँ भाई मैं भी उसने, मैंने उसके चैनल पे इतने टाइम तक काम करता रहा हूँ मैं, अब मैं उससे अपने अपने चैनल पे करूँगा काम, अपना चैनल ग्रो करूंगा ऑब्वियसली। समझ रहा? करेक्ट। तो भाई तू उसको बता मत दियो। मैं अगर बताऊंगा उसके बताने की जरूरत ही नहीं है मयंक। व्हाट द फक, टिक्की खोल यार। भाई ये इतनी बड़ी नूब है, भाई रहने दे मैंने। इतनी बड़ी नूब है, रहने दे ब्रो। अरे भाई मुझे इसका मैंने इतना स्टैंड लिया जिसके साथ रही मैं, वो बंदा मेरे को कह रहा है कि मैं तेरा बेवकूफ बना, तेरा फायदा उठा रही हूं, तेरे काटती हूं मैं, चल जा नूब। जब भाई तू वेस्ट साइड के सामने में गेट बंद करके गया था गाड़ी का, तो गाड़ी तो लॉक हुई नहीं थी, तो मुझे तभी पता चल गया था कि गाड़ी में दूसरी चाबी थी। अच्छा। हाँ और पीछे से जाते हुए मैंने तुझे देख लिया, और तभी मैंने श्रेया के साथ ही सारा कुछ प्लान बनाया। उससे पूछ ले मेरी दोस्त है, मुझसे दूसरी तीसरी बार मिली है। समझी? तो तू है नहीं ना कि हम, ये किसका, तुम दोनों का किसका आइडिया था ये वीडियो बनाने का? दोनों का था। बहुत घटिया आइडिया था। क्यों? डिसलाइक कर दो गाइस। पागल है क्या गाइस? यार मैं पूरा दिन रही हूँ डिग्गी में गर्मी में, इसे बंदे को पता था, इसने बताया नहीं बेचारे के हेड पेन। हाँ ठीक है, इन्हें जानबूझ के हिट मारा मेरे मुंह पे। गाइस लाइक कर देना ठीक है, और कमेंट करके लिखना मयंक इज अ लूजर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जब 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मेरी पहली वीडियो आएगी सेइंग यस टू निशु। लाइक और शेयर ठोक दीजिए।